लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों के काम आए जो, दुश्मनों के रंग उड़ाए जो, उलझनों को सुलझाए जो, राजा रैंचो, राजा रैंचो, राजा रैंचो। देखिए तो इनके नए ढंग लाए जहां में नए रंग, मस्तियों में झूम के मंजिलों को चूम के चले जमाना इनके संग। पूजा, ये क्या हो गया? ज्यादा हाथ तो नहीं जल गया? ज्यादा नहीं, ये तो अनर्थ हो गया। कुछ भी नहीं होगा, भगवान का आशीर्वाद है हम पर। नहीं करण भैया, अशुभ तो जरूर होगा। विजय, ऐसे ढकोसले में भी विश्वास नहीं करती। मैं भी भिखारी की जिंदगी नहीं जीना चाहता। देखता हूं नीलामी कैसे होती है, बोली लगाने वाले को खत्म कर दूंगा। 3 साल से जो जाल बुना है वो तो आप कामयाब होगा। मैंने तुमसे इसलिए थोड़ी शादी की कि तुम बहुत खूबसूरत हो, वो तो इसलिए कि इस पैलेस में मुझे एंट्री मिल सके। मैं किसी भी कीमत पर ये नवरत्न हासिल करके ही रहूंगा। नमस्कार रानी साहिबा। मैंने आपका पहचाना नहीं। मुझे पहचानने का सवाल ही नहीं उठता, मैं तो बहुत ही मामूली इंसान हूँ। आपने मेरा नाम तो सुना होगा, मैं हूँ यमुना देवी। याद आया आपको कुछ? ओह, तो तुम यमुना देवी हो जिसने मेरा स्वाद छीनने की कोशिश की थी? देखिए रानी साहिबा, आपको कुछ गलत फहमी हो गई थी। मैंने राजा और महाराजाओं से हीरे छीनने की कोशिश की और अब भी करती हूँ, सुहाग नहीं। हीरे ज्वारा तो मेरी कमजोरी है, मर्द नहीं। मैं 9 रत्न लेने के लिए आई हूँ रानी साहिबा। ओ आई सी, तो तुम 9 रत्न लेने के लिए आई हो? जी हाँ, कोशिश तो बहुत साल पहले की थी लेकिन आपने नाकाम कर दी। वरना राजा साहब तो मेरे जन्मदिन पर ये 9 रत्न का सेट देने वाले थे। कोई बात नहीं, अब ये 9 रत्न मुझे दे दो। तुम अपने हद से बाहर जा रही हो। मैं सौदा करने आई हूँ गायत्री देवी, अगर ये 9 रत्न मुझे मिल जाए तो बात ही कुछ और है। मैं आपको ये बताने आई हूँ गायत्री देवी कि आप नीलामी रोक दे। अच्छा, तो फोन पर धमकी तुमने दी थी? मैंने धमकी नहीं दी थी गायत्री देवी, मैं 9 रत्न की मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। 9 रत्न का इतना भी शौक है बाजार औरत, तो नीलामी के दिन आ जाना। गायत्री देवी, मैं इतनी देर से आपसे बातें कर रही हूँ, मैंने आपको गाली नहीं दी लेकिन आपने अपनी जुबान खराब कर ली। एक बात बताओ गायत्री देवी, अब 9 रत्न मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। कल नीलामी के दिन मैं जरूर आऊंगी और साबित करूंगी कि बाजारू औरत कैसे तमाचा मारती है। चल जाओ, चल जाओ।
माधुरी देवी जी, आप इस वक्त सब ठीक तो है? राजा साहब, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। कैसी बात? आइए, अंदर आइए, प्लीज कम। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूं गायत्री देवी जी। देखिए, नवरत्न आपका है, आप उसे नीलाम करना चाहती हैं, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन जो जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है, उसके बाबत मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। शहर में इतनी एफिशिएंट पुलिस फोर्स होने के बावजूद आप ये काम मुझे क्यों सौंपना चाहती हैं? देखिए राजा साहब, ये जिम्मेदारी सौंपने की बात नहीं है, ये सिर्फ यकीन की बात है। मुझे आप पर पूरा यकीन है। आई रिस्पेक्ट द पुलिस फोर्स ऑल्सो। एसपी मेरा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। नीलामी के रोज में आपकी मदद के लिए उन्हें भी बुला रही हूं। गुड। लेकिन देखिए, मैं चाहूंगी कि सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी आप ले ले, क्योंकि अब मुझे अपने औलाद पर भी शक होने लगा है। वेल, गायत्री देवी जी, सोच लीजिए, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव, हो सकता है कि। देखिए राजा साहब, आपकी जो भी फीस हो मुझे बताइए, मैं देने को तैयार हूं। आप मेरी बात नहीं समझे, यहां मसला फीस का है ही नहीं। आपने समाज का काम करने के लिए इतना बड़ा बीड़ा उठाया, अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो इसमें मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। सोचिए जरा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो आप जिम्मेदारियों से घबरा रहे हैं? ये बात भी नहीं। देखिए, मैं जानती हूं कि नीलामी के रोज कुछ ऐसे लोग आएंगे जो काफी शातिर हैं, और हो सकता है कि वो शातिराना हरकतें भी कर जाए। देखिए, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरी मदद करें, क्योंकि ये नीलामी में रोक नहीं सकती, और अगर बगैर सिक्योरिटी की नीलामी हो जाए तो कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट जाएगी जिसे मैं नहीं चाहती। ठीक है गायत्री देवी जी, लेकिन एक शर्त पर, मैं उस नवरत्न की जिम्मेदारी ले सकता हूं, वो भी ऑक्शन तक। बोलिए। कहे कि मुझे सिक्योरिटी डिजाइन करने की इजाजत दी जाए, और मेरे काम में किसी तरह की दखल अंदाजी ना दी जाए, यानी कि मुझे आजादी दी जाए। देखिए राजा साहब, आपको पूरी आजादी दी जाएगी, आप जो चाहे करें, और अगर पैसों की जरूरत हो। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि ऐसे काम के लिए मैं कोई फीस नहीं लेता। राजा साहब, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा ये मिशन फेल हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा गायत्री देवी जी, हम आपके साथ हैं। लेकिन फिर भी मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं। बोलिए। देखिए, अब के बाद महल में जो भी कुछ हो, जो भी कुछ इस बात यानी कि नीलामी से संबंधित, उसकी खबर आप मुझे देती रहे। देखिए, आपको हर पल की खबर दी जाएगी। अच्छा, अब मैं चलूं? या एक मिनट, मैं आपको महल तक पहुंचाता हूं, प्लीज जी। कम। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है यहां? इतनी रात गए, आप कहां गई थी? कहीं कोई पार्टी में? अर्चना से पूछो, उसने तो मुझे जाते हुए देखा था। जाते जरूर देखा था, मगर कहां गई थी ये नहीं पूछ पाई थी। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि इस वक्त आप मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी तो बाहर आए थे। हम आपके कमरे के आगे कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो यूं टेरेस पे जा रहे थे। ओ अर्चना, टेरेस की तरफ जाने का दरवाजा तो तुम्हारे कमरे से भी जाता है। और सुनो करण, अपने और अपने बीवी के नापाक इरादों को भूल जाओ, यही बेहतर होगा, वरना मुझे भूलना होगा कि मेरा भी कोई बड़ा बेटा था। मेरे इरादे नापाक नापाक से, मैंने भी आपके मंसूबे बिखेर नहीं दिए। अरे बाबा, एक्सरसाइज कर लिया तो दूध पीने में बहुत बहानेबाजी होती है। देखते हैं, आज बढ़िया दूध है गाय का, गपा गप पी जाएंगे रेंचो महाशय, इनके दांत मजबूत होंगे, हड्डियां मजबूत होंगी, और फिर जाकर लड़ेंगे दुश्मन से। ढिशम ढिशम, और देता हूँ, रुको रुको रुको।
इधर फोन भी आ गया किसी का. ये लो. रेंचो, एक मिनट. गायत्री देवी. हेलो. या गुड मॉर्निंग गायत्री देवी. राजा साहब, मेरी बात गौर से सुनिए. कल रात जब मैं घर पर लौटी तो हाँ What? नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ. जी ओके. और आइट गायत्री देवी, मैं भी जानता हूँ. नहीं आप बिल्कुल चुप. नमस्ते राजा साहब. नमस्कार नमस्कार. क्या नाम है आपका? जी मैं पूजा हूँ. अच्छा मैं राजा हूँ और ये हैं हमारे दोस्त रंचो. रंचो आ जाओ भाई, आ जाओ नीचे, आ जाओ. अच्छा यही है रंचो. आइए, रानी मैं आपका इंतजार कर रही हूँ. जी आओ रंचो, आ जाओ. शाबाश, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ. तो राजा जासूस को बुलाए रानी मानी नवरत्न की हिफाजत कर रहे. राजा साहब, ये वो जगह है जहां मैं अपने नवरत्न की नीलामी करना चाहती हूँ. अब इसकी सिक्योरिटी कैसे की जाए वो आप देख लीजिए. वेल गायत्री देवी जी, जगह तो मैंने देख ली है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस हॉल में दरवाजे बहुत सारे हैं, तो नीलामी के दिन एक दरवाजे को छोड़कर जिससे लोग आएंगे जाएंगे, बाकी सब दरवाजे हम बंद कर देंगे. दैट इज अप टू यू. मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि नीलामी कामयाबी के साथ हो जाए. आपको मुझ पर यकीन है? बिल्कुल, तभी तो मैंने आपको बुलाया है. जी. वैसे राजा साहब, बोलिए बोलिए. खामोश क्यों हो गई रानी माँ? ये क्या बोलेगी, अब तो इनको गैरों पर ही यकीन है, हम तो इनके दुश्मन है. आप गलत समझ रहे हैं विजय बाबू. देखिए मिस्टर राजा, ये हमारा जाती मामला, आप खामोश रहिए, इसी में आपके भलाई है. विजय, ये हमारे मेहमान हैं, हमने इनको बुलाया है. हाँ हाँ, अब तो गैर ही इनके हमदर्द होंगे. देखिए घर का मामला है, बेहतर हो आप लोग आपस में ना लड़ें. विल यू शट अप? मैंने आपसे कहा ना पहले, ये हमारा पर्सनल मैटर है, आपस का झगड़ा है. तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस महल में आने की? राजा की जुर्रत का भी अंदाजा नहीं है तुम्हें. हाँ नीलामी के दिन एक छोटा सा जलवा दिखाऊंगा. रानी मां आप नीलामी की तैयारी कीजिए. जय हिंद. नवरत्न की नीलामी में सिर्फ चंद घंटे बाकी बचे हैं और इन्हीं चंद घंटों के अंदर अंदर हमें कुछ करना होगा. मैंने जो बंदोबस्त किया वो कभी फेल नहीं हो सकता. नीलामी की आखिरी बोली लगेगी और हीरा कहीं और पहुंच जाएगा. जिस ग्रुप को मैंने लगाया है, डिटेक्टिव राजा उनके लिए बच्चा है बच्चा. दुनिया में अजीब अजीब इंसान होते हैं. एक बार सोच के तो देखो, नवरत्न अगर मेरे हाथ लग जाए तो कैसा होगा. ओह माय गॉड, मैं तो सोच के ही पागल हो रही हूं. ए उठो. सो नहीं रहा हूं जानू, तुम्हारी बातें सुन रहा हूं, बिल्कुल जाग रहा हूं मैं. अगर जाग रहे हो तो उठो और जैसा मैं कहती हूं वैसा करो. ना जाने कहां रह गया, अगर वो नहीं आया तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा. एक एक वही तो है जो इस राजमहल से नवरत्न चुरा सकता है. इतनी देर क्यों लगा दी, स्टूपिड को अभी तक आ जाना चाहिए था. अब मुझे ही कुछ करना होगा.
जी मैं बिल्कुल समझ गया, लेकिन आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। मुझे तो लगता है ये सब आपका वहम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। भगवान करे यही हो, लेकिन कल रात रजनी ने मुझे जो कुछ बताया है उससे तो मुझे यकीन हो गया है कि कहीं नवरत्न यहाँ रहा तो कहीं ऐसा तो ना हो कि मेरी औलादे ही मुझसे। देखिए गायत्री देवी जी, आप डर गई हैं। इसीलिए तो राजा साहब मैंने आपको बुलाया है, ये नवरत्न आप अपने पास रखिए। जी देखिए, ये बहुत ही कीमती चीज है और मेरे सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे काम अभी करने हैं मुझे, और फिर चंद घंटों की तो बात है। आप इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाए, प्लीज आप इसे रखिए। वेल ठीक है, अगर आप कहती हैं तो। पूजा जी, राजा साहब को उनके कमरे में ले जाओ जी। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे खबर करें, लेकिन इस वक्त से आप पैलेस से कहीं नहीं जाएंगे, प्लीज। ठीक है गायत्री देवी जी, मैं आपसे यहीं से ऑपरेट करना शुरू कर देता हूँ। थैंक यू, लेकिन आप बेफिक्र हो जाइए। टेक केयर। और अंजू,